होली का अवसर था। बंटी की मम्मी सुनीता उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। किचन में गुंजिया और तरह तरह के अन्य पकवान बन रहे थे। तभी बंटी वहां भागता हुआ आया। मम्मी सुनो ना। बेटा अभी मुझे किचन में बहुत काम है, तुम जरा ठहरो और बाहर जाकर खेलो। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे तुम सुनते क्यों नहीं, तुमसे कहा है ना मुझे काम करने दो। राजू कह रहा था कि वह अपने मम्मी पापा के साथ वृंदावन में होली खेलने जा रहा है बाकी बिहारी के साथ। मम्मी हम भी वृंदावन जाएंगे कान्हा के साथ होली खेलने के लिए। सुनीता ने बड़े प्यार से बंटी की ओर देखा और बोली, बेटा मैंने तेरे पापा को बोला था, लेकिन वो कह रहे थे कि वहाँ बहुत भीड़ है, ऐसे में हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। सारी दुनिया वृंदावन जा रही है, सब जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ही भीड़ है और हम बस यही अपने घर की बालकनी से बाहर झांक झांक कर ही होली का मजा ले लें। सारी भीड़ क्या हमारे लिए ही है? इस पर सुनीता ने उसे समझाते हुए कहा, घंटों लाइनों में लगे रहेंगे तब भी नंबर नहीं आएगा और छोटे बच्चों के साथ तो वहां जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन बंटी ने तो जैसे जिद ही ठान ली थी और नाराज होकर वहां से चला गया। शाम को जब बंटी के पिता रमेश घर पर आए तो सुनीता ने उनसे बात की, लेकिन रमेश ने इसके लिए साफ मना कर दिया। सुनीता तुम तो समझा करो, वो तो बच्चा है, तुम तो समझदार हो ना। इतनी भीड़ में मैं तुम्हें और पंटी को कैसे संभालूंगा? अभी होली के मौके पर रहने दो, हम उसके बाद वृंदावन चले चलेंगे। यह सुनकर सुनीता ने कहा, देखो अब बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो एक काम करते हैं, हम वृंदावन चले चलते हैं। कोशिश करेंगे अगर लाइन में लग पाए और दर्शन कर पाए तो ठीक है, अगर ज्यादा भीड़ हुई तो हम लाइन में ही नहीं लगेंगे और बाहर से ही ठाकुर जी को प्रणाम करके वापस आ जाएंगे। बच्चे का मन भी बहल जाएगा और वो खुद देख लेगा कि पापा मम्मी गलत नहीं कह रहे थे, वहां वास्तव में बहुत भीड़ थी। तब रमेश बोला, चलो ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, वहां जाकर फिर से अपनी जिद पर मत अड़ जाना कि लाइन में लगना ही है। घंटों बंटी को गोद में लेना मेरे बस का नहीं है। होली से दो दिन पहले रमेश, सुनीता और बंटी तीनों वृंदावन के लिए निकल गए। तभी सुनीता कहती है, सुनो मैं क्या कहती हूँ कि हम अपनी गाड़ी से नहीं जाते, पता नहीं पार्किंग की सही जगह मिले या ना मिले, या अंदर तक गाड़ी को जाने ही ना दें और काफी दूर तक हमें गाड़ी को खड़ी करके पैदल ही बांके बिहारी के मंदिर तक जाना पड़े और फिर होली का समय है, सारी गाड़ी के गंदे होने का भी बहुत खतरा है। रमेश को उसकी बात समझ आ जाती है और वे तीनों ट्रेन से मथुरा के लिए निकल जाते हैं और वहां से वृंदावन पहुंचने के लिए ऑटो ले लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे वृंदावन की गलियों की तरफ बढ़ रहे थे तो वहां की भीड़ देखकर उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं कि इस भीड़ में बांके बिहारी के मंदिर पहुंचना तो दूर, हम वृंदावन की गलियों को भी पार नहीं कर पाएंगे। तभी रमेश थोड़ा घबरा कर बोलता है, देख रही हो यहाँ का हाल, मैंने पहले ही कहा था होली के मौके पर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। सुनीता केवल सोच में और घबराहट में खड़ी रहती है, वह क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अब क्या होगा, मुझे तो मंदिर तक पहुँचना नामुमकिन सा लग रहा है, इतनी भीड़ को देखकर तो मेरा जी घबरा रहा है। तभी बंटी बोलता है, हम लाइन में लगने की कोशिश तो करते हैं, कान्हा जी हमें अपने आप वहां बुला लेंगे।
तभी रमेश ने बंटी को समझाते हुए कहा, बेटा मेरे बस का नहीं है इतनी भीड़ में तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर लाइन में लगना। देख नहीं रहे हो कितनी धक्का मुक्की हो रही है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद तीनों वापस जाने के लिए सोच रहे थे। उन्होंने वहीं से बांके बिहारी को मन ही मन प्रणाम किया और थक हार कर थोड़ी देर वहीं एक मकान के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गए। बंटी बार बार लाइन में लगने और मंदिर में अंदर जाने के लिए जिद कर रहा था, तो रमेश उसे समझा रहा था कि वहां नहीं जा पाएंगे। तभी एक छोटा सा बच्चा उनके पास आता है और वह रमेश से कहता है, आपको बांके बिहारी के दर्शन करने हैं क्या? मेरे साथ आओ, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। इतना सुनते ही सुनीता के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह मुड़कर बोलती है, हाँ हाँ बेटा, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो जो हमें जल्दी दर्शन करा दे? लेकिन उसकी बातें सुनकर रमेश ने धीरे से सुनीता से कहा, ऐसे किसी के भी साथ कैसे चल सकते हैं? तुम्हें पता है ना, जमाना कितना खराब है, ऐसे ही लोगों के साथ लूटपाट हो जाती हैं। यह सुनकर सुनीता कहती है, अरे चलो ना, चलते हैं। वैसे भी हम कौन सा कोई कीमती सामान अपने साथ लेकर आए हैं? देखो ना, मैंने अपने टॉप्स और चेन भी घर पर ही उतार कर रख दिए थे। इतने पावन मौके पर और इतनी पावन जगह पर कोई किसी को नहीं लूटता, तुम चलो तो। और बंटी भी लगातार मंदिर में जाने की जिद करता है, तो उन सब की बातें सुनकर रमेश तैयार हो जाता है और उस छोटे बालक के साथ चल देता है। तभी वह छोटा बालक उनसे कहता है, कान्हा जी के लिए रंग तो लाए हो ना? अगर नहीं लाए हो तो इस सामने वाली दुकान से ले लो। यह सुनकर उन्हें ध्यान आता है कि हाँ, वो रंग तो लाए ही नहीं है। तब फिर से रमेश सुनीता के कान में कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, जरूर इसकी उस दुकान वाले से सेटिंग है, इन सबका कमीशन फिक्स होता है। इस दुकान पर गुलाल खरीदने को कह रहा है, अभी आगे और देखते जाओ कितने पैसे खर्च कराएगा। वास्तव में समझ उन सभी को कुछ नहीं आ रहा था, तो जैसे ही सुनीता ने आंखें दिखाई, रमेश गुलाल खरीदने के लिए चल दिया और वे तीनों चुपचाप उस बालक के पीछे चलते रहे। वही वह छोटा सा बालक वृंदावन की तंग गलियों में से निकलता हुआ सभी को राधे राधे कहता हुआ यमुना जी के पास एक पेड़ के पीछे की तरफ लेकर चला गया। तभी रमेश थोड़ा घबराए स्वर में सुनीता से बोला, यहाँ आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने कहा था ना, पर तुम नहीं मानते हो, अब जरा सावधान रहना। पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बांके बिहारी जी की एक बहुत ही सुंदर छवि वाली तस्वीर रखी थी। लो, खेल लो अपने बांके बिहारी के साथ होली। अब रमेश का संशय और बढ़ता जा रहा था। इस पर बच्चे ने कहा, आप पहले इन्हें गुलाल तो लगाओ, फिर आंखें बंद करके यहाँ बैठ जाना। बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, कान्हा खुद तुमसे होली खेलने के लिए आ जाएंगे। सुनीता बंटी को गोदी में बिठाकर रमेश के साथ नीचे बैठ गई। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी क्या देखते हैं कि तीनों बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। वहां मंदिर में बहुत कम भीड़ है। पुजारी जी सबको रंग गुलाल अबीर लगा रहे हैं। रमेश और सुनीता एक दूसरे को और कभी बांके बिहारी को एकटक देखे जा रहे हैं। फिर उन दोनों ने बड़े ही श्रद्धा और भाव से बांके बिहारी के चरणों में अपना माथा टेका और उनके गाल पर थोड़ा सा रंग गुलाल लगा दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उसी बीच बंटी का हाथ उनसे छूट गया है और सुनीता घबराकर रमेश को आवाजें देने लगती है। तभी दोनों की आंखें खुल जाती हैं। उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर वही गुलाल लगा हुआ है और पास ही में बंटी खड़ा है और वह तो पूरा का पूरा रंगों से सराबोर है।
अनीता ने बंटी को जल्दी से गोद में उठा लिया और पूछा, बेटा तुम्हें ये रंग किसने लगाया? तुम किसके साथ होली खेले थे? यह सुनकर बच्चा मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे माँ तुम्हें पता है ये रंग मुझे कान्हा ने लगाया है। हम दोनों ने बहुत होली खेली है, खूब मजा किया। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वास्तव में कान्हा जी यहाँ आए थे? अब तो रमेश और सुनीता दोनों दंग रह गए। अब सुनीता और रमेश आंखें फाड़े उस छोटे से बालक को ढूंढने लगे जो उन्हें वहां तक ले आया था, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनके शब्द मौन हो गए थे। वे अपने मुख से कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन दोनों की आंखें एक दूसरे से कह रही थीं, हम बांके बिहारी के साथ होली नहीं खेल पाए तो क्या वो खुद ही हमारे साथ होली खेलने के लिए आ गए? अब रमेश और सुनीता दोनों ने उस सुंदर छवि वाली तस्वीर को उठाया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल दिए। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।